हर एक सफर में खुद को ढूंढो कुछ नया सीखो सफर करो जिंदगी की आरोहा भगवान शिव जी की बारह ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में बारह जगहों में ये बारह शिवलिंग पाए जाते हैं तो हर एक शिवलिंग की स्थापना किसने की तो इसके पीछे का वो जो ऐतिहासिक स्टोरी वो सब मैं आपको आगे आगे बताऊंगी तो हम आज जा रहे हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र में तीन ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं उसमें से एक है बीमाशंग पुणे में है बीमाशंगर ज्योतिर्लिंग तो आज का हमारा राइड है बीमाशंगर की ओर चलो चलते हैं बीमाशंग मंदिर के अलावा वनांतर के अंतर में फॉरेस्ट के डीप फॉरेस्ट के अंतर में एक और शिवलिंग है तो उस शिवलिंग को देखने के लिए लोग ट्रैक करके जंगल के अंदर ट्रैक करके भी जाते हैं तो आज हम जा रहे हैं मंदिर में ट्रैकिंग के लिए नहीं आज का हमारा प्रोग्राम है राइड करके बीमा शंकर मंदिर जाना और भगवान शिव जी का दर्शन करना ये है प्रशस्त येरवाड़ा जेल पुणे का येरवाड़ा जेल जो बड़े बड़े टर्र क्रिमिनल सब होते हैं उनको यहाँ रखते हैं जैसा अजमल कसब को यहाँ यरवाड़ा जेल में रखा था तो बहुत बार सोच समझ के हम आज जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे लोगों ने वॉन्ट किया है कि रोड सही नहीं है बहुत सारे गट्टर है ऐसा पैथोल्स है बाइक पे जाना सही नहीं होगा और एक दिन में जाके वापस नहीं आ सकते अगर इवनिंग हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये है पुणे का फेमस जोगेश्वरी मिसल तो पुणे का फेमस है मिसल तो मिसल के बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ वहाँ सारे मतलब फेमस जो आउटलेट्स है सिर्फ जोगेश्वरी का नहीं आ, आ, कौन सा है बहुत सारे मिसल का यहाँ का ब्रांड है यार तो उन सब सबके हर एक आउटलेट में जाके नहीं तो आ, जिस प्लेस का फेमस जो मिसल है वहाँ जाके वो ट्राई करके मैं कंपेयर करके एक वीडियो करने वाली हूँ और ये है ये वाले का चाय ये भी बहुत स्पेशल होता है तो पुणेकर लोगों का एनर्जी ड्रिंक होता है चाय तो यहाँ खाना खाए या ना खाए बीच बीच में चाय जरूर पीते हैं और ये चाय नॉर्मल चाय हमारी मतलब जो केरला में लोग पीते हैं उसी की तरह नॉर्मल चाय नहीं होता है मतलब यहाँ का चाय थोड़ा टिक होता है टिक मिल्क से बनाते हैं जैसा क्रीमी फ्लेवर होता है और बहुत स्वीट होता है और कड़क भी होता है तो ये वाले की कि चाय भी पी के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आ, लोगों ने हमें मना किया था कि एक दिन में जाके हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ इवनिंग रुकना बहुत डिफ़िकल्ट है और इवनिंग स्टे करने के लिए आप लोगों को आ, रूम मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा सीजन टाइम है तो हमने भी सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं उससे पहले मैंने भी अपना प्लानिंग्स बना लिया और आप आगे देख सकते हैं कि आलंदी तो ये आलंदी है यहाँ से ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलती है पंडरपुर की ओर और अगले दो दिन में पालकी पुणे में आ जाएगी और मेरा लाइव वीडियो होगा पालकी का और ये है आलंदी तो आलंदी के बारे में भी मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में भी एक्सप्लेन किया है तो वो वीडियो का डिस्क्रिप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ आप वो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए तो मैंने अपना प्लान ऐसे बनाया था Uh, क्योंकि अगर हम गए तो वहां स्टे करने के लिए अगर हो सके तो उसी दिन रिटर्न आ जाएंगे अगर लेट हो गए तो वहाँ स्टे करने के लिए क्या ऑप्शन है तो मैंने सारे वहाँ के रूम्स जो इंटरनेट पे मिलते हैं उन्हें कांटेक्ट करके देखा और मैंने जो गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस है वहाँ भी कांटेक्ट किया लेकिन हम इतने अनलक्की थे तो एक भी रूम हमें नहीं मिल रहा था और लोगों ने भी बताया कि जो भी कॉल कर रहे थे वो था लेकिन बंद हो गया ऐसा बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव आ रहे थे तो हमने सोच लिया कि चलो आ, जाना आ, जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग जाके पुणे से वन किलोमीटर समथिंग है तो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे दर्शन करेंगे और इवनिंग से पहले वापस आएंगे अगर लेट हो गए तो क्या करेंगे तो मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी और फेसबुक से तो मैंने फेसबुक में भी डाल के आ, सर्च किया गूगल में मुझे नहीं मिल रहा था तो सोचा कि चलो फेसबुक में ट्राई करके देखते हैं। अगर को, कोई ऑलरेडी गया है तो कुछ तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेगा ना तो मैंने फेसबुक में ट्राई किया तो मुझे एक आग्रो फार्म का एक होम स्टे का डिटेल्स मिल गया मैंने सरूर उनको मतलब तुरंत मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनसे कंफर्म किया तो बीमा शंगर में हमें रुकने के लिए एक आग्रो फार्म तो एक फार्मिंग आ, है और फार्मिंग फार्म के बीच में आ, उनका जो होम स्टे है टेंट स्टे है तो मैंने एक टेंट बुक किया और अभी हमें हमारा रहने का तो इंतज़ाम हो गया और रोड रोड तो कैसे भी हो सकता है हम तो ट्राई करेंगे क्योंकि हमें एक लंबा सा एक डेंजरस मतलब क्या डिफिकल्ट राइड जाने का प्लान है तो वो है हम लेह लडाख -ले जाने वाले हैं तो उस राइड से पहले हमें बहुत सारे छोटे मोटे ऐसा 100-200 किलोमीटर का राइड करना है अगर रोड बहुत गंदा मिलता है तो सही क्योंकि वो हमारे ले लडाक राइड के लिए हमें प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सोच के हम आ, निकल पड़े और हमने क्या किया था कि हम ऐसा ही आ, रोड साइड में रुक के आ, रूट देख रहे थे तो गूगल ने हमें एक ई वाला रूट दिखा दिया जो हाईवे से नहीं जाता था इनर रोड से विलेज से जाता था तो हमने सोचा कि चलो अगर विशुअल्स अच्छी मिलेगी तो हम आ, आ, इनर वाला क्योंकि ट्रैफिक भी कम था और हमें एटीएम से पैसा भी निकालना था और अंदर के रोड में एटीएम दिखा रहा था तो हमने लेफ्ट टर्न लिया नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हाईवे से जाते हैं तो हाईवे से जाके बाद में बीमा शंकर आ जाते हैं तो हमने क्या किया कि यहाँ से लेफ्ट टर्न हाईवे से लेफ्ट पुणे से जब जाते हैं तो हमने लेफ़्ट टर्न लेके एक गांव के अंदर चले गए और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गांव था खूबसूरती तो बहुत थी दोनों साइड में फील्ड्स थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के सब ऐसा फार्म था तो वो सब देख के आगे बढ़ने में बहुत मजा आ रहा था और साथ साथ में हमें थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रोड में गाड़ियाँ बहुत कम थी तो ऐसा ऐसा जगह भी आ गए कि सुनसान जगह था सिर्फ रोड पे हम थे ओके अर्ली मॉर्निंग का टाइम है सात आठ बजे ही हुआ है तो कोई ईश्यू नहीं है तो लाइट का कुछ ईश्यू नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग है फिर भी हमें डर लग रहा था अगर हम रास्ता भटक गए तो पूछने के लिए रोड साइड पे कोई ही नहीं है तो बीच बीच में एक दो बाइक हमें क्रॉस कर रहा था तो सोचा तो कि चलो इस रास्ते में लोग जाते तो हैं तो हम भी आगे बढ़ के देखते हैं और गूगल हमें सही रास्ता दिखा रहा था तो गूगल के भरोसे पर आगे निकल गए लेकिन इससे पहले कहीं बार गूगल ने हमें घुमाया भी था तो थोड़ा डर भी था तो एक छोटा सा पुल है जो हम एक रिवर के ऊपर से जा रहे हैं अभी रिवर में पानी बिल्कुल भी नहीं है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन बाद में जब पानी आ जाता है तो ऐसा सुना है कि ये ओवरफ्लो हो जाता है और वहाँ साइड पे एक छोटा सा मंदिर भी है और ये पुल बांधे हैं भीमा नदी के ऊपर और ये भीमा नदी वही भीमा नदी है जहाँ जब ये पंडरपुर रीच हो जाती है तो चंद्रभागा बन जाती है वही भीमा नदी है ये और हमने अभी एंटर किया है एक घाट सेक्शन में फ़ाइनली हमें एक गांव मिल गया तो हम ढूंढ रहे हैं एटीएम तो एटीएम से पैसा निकालना है क्योंकि बीमा शंकर के ऊपर जाने के बाद आ, हमें रेंज कम मिलेगा तो हम पे टी एम गूगल जी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते तो हमें आ, हाथ में कैश कैरी करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें ए चाहिए तो हम इस गाँव में ए ढूंढ रहे हैं और सामने एक बैंक है तो हम सोच रहे कि वहाँ से ट्राई करेंगे ढूंढ रहे हैं एक्चुअली ढूंढ रहे हैं एटीएम नहीं मिल रहा है <laughs> सामने एटीएम दिख रहा है तो जाके देखते हैं कि वहाँ कैश है या नहीं नहीं तो आगे जाके एटीएम मिलेगा या नहीं कुछ नहीं पता एटीएम से कैश लेके हम सीधा गए पेट्रोल डालने के लिए और थोड़ा सा एक रेस्ट ब्रेक भी हमने ले लिया था मैप हमें एक वन एंड हाफ आवर और दिखा रहा है हमारा डेस्टिनेशन के लिए जो है बीमा शंकर टेम्पल हमें 54 किलोमीटर और राइड करना है और मुझे मेरे दोस्तों ने यह बताया गया है कि लास्ट 30 किलोमीटर हाई डेंसिटी फॉरेस्ट है तो हमें फॉरेस्ट के अंदर से राइड करना पड़ेगा लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने वो रूट नहीं लिया था हम आ, दूसरा रूट से आ गए थे मक्कन जैसा रोड है आ, अभी तक हमें फॉरेस्ट वाला रास्ता नहीं मिला है शायद मिलने वाला भी नहीं क्योंकि हमने पूरा हाईवे से जाके लेफ्ट नहीं लिया हमने आधा हाईवे से ही लेफ्ट लिया था और गांव के अंदर के रोड से जा रहे थे तो शायद हमें आगे जाके फॉरेस्ट मिलने का चांस बहुत कम है लेकिन ये रोड बहुत क्या कहते आ, स्मूथ मक्कन जैसा रोड था लेकिन एक प्रॉब्लम था कि रोड ऐसा अप एंड डाउन हो रहा था क्योंकि स्ट्रेट नहीं था थोड़ी देर जाते हैं तो हम आ, हमें स्पीड में कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि आ, पता नहीं चलता कि सडनली वो एक डाउन आ जाता है और कुछ देर के बाद फिर से अप आ जाता है जैसे ऐसा एक आ, एक पैटर्न था उसका तो यहाँ राइड करना आ, बहुत ही क्या ईसी है कोई डिफिकल्टी नहीं है लेकिन थोड़ा रोड पे ध्यान रखना चाहिए कि कब जाके हमें आ, मतलब हम डाउन होने वाले हैं तो आप आगे देख सकते हैं कि ये सीधा रोड नहीं है हम नीचे जा रहे हैं लेकिन कुछ देर के बाद सीधा सडनली आप आ, आ जाएगा तो हमें लगता है कि ओके हम आप जा रहे हैं उसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं होगा थोड़ी देर ऊपर जाएगा सीधा नेक्स्ट हम डाउन की तरह जाएंगे तो वैसा एक सिक्स एक बैनर में था ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद हमें एक ये मिल गया व्यू पॉइंट मिल गया लोग सारे अपने बाइक के साथ थे तो हमने भी सोचा कि क्या व्यू पॉइंट है चलो जाके देखते हैं तो वो एक डैम का व्यू है व्यू पॉइंट है तो आप जो राइट में देख रहे हैं ये एक लेक है लेक रिवर आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये डैम का एरिया है तो ये डैम का एरिया कितना है मतलब हमें आगे पूरा बीमा शंगर तक हमें नहीं तो उसके बाद वाला हमारा जो एग्रोफाम वाला रास्ता है जो भी हो मतलब हमें ये पूरा लेक को घूम के जाना है तो हाँ आगे से आगे हम जाएंगे तो हमारा लेफ़्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में आपको ये लेक या रिवर जो भी हो या डैम का एरिया हम आ, आ, आपको पक्का मिलेगा तो हमने सोचा कि चलो व्यूज़ हो गया थोड़ा फ़ोटोस हमने निकाले आ, मतलब बहुत बीट था तो आ, हम यहाँ से निकले और दूसरा व्यू पॉइंट में व्यू पॉइंट में पक्का रुकेंगे आप प्लीज़ गौर से ध्यान दीजिए हमारे बाइक के साइड स्टैंड पे इसके बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है क्या हुआ था हमारे का वो आगे आगे अगले वीडियो में आपको पता चलेगा तो उसके बाद हम निकल पड़े बीमा शंकर की ओर तो लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा पौधे मतलब तो पेड़ पौधे दिखते हैं लेकिन उसके लेफ्ट साइड में वो लेक रिवर जो भी हो वो है तो पुणे कर से जो लोग पुणे में रहते हैं जॉब करते हैं और जॉब के चक्कर में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है तो उन लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि आप वीकेंड में ऐसा गांव का रास्ता जो है विलेज के अंदर वाला ये रास्ता नहीं तो ऐसा भीमाशर ट्रैकिंग की और नहीं तो ऐसा ऐसा अंदर वाला रास्ता जो आ, सादा भीड़ नहीं है तो यहाँ आके एक ब्रेकफास्ट राइड नहीं तो ऐसा संडे में नहीं तो सैटर संडे में कोई ये दिन एक ट्रिप के लिए आप स्पेंड कीजिए क्योंकि आपको नेचर की ब्यूटी देखने को भी मिलेगी साथ साथ में जो जॉब का जो टेंशन है वो सब आप भूल सकते हैं तो मंडे आप फ्रेश हो के आप फिर से अपने जॉब पे इन्वॉल्व कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ये सजेशन है कि सैटरडे संडे कोई भी एक दिन बस मस्त घूमने के लिए क्योंकि हम जीते हैं मतलब जॉब करना पैसा कमाना वही लाइफ नहीं है यार तो कमाते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत अपनी खुशी के लिए स्पेंड करना पड़ेगा तो मेरी खुशी है कि मैं बहुत ट्रैवल करूं नई नई जगह देखूं तो उसको एक्सप्लोर करूं तो मुझे ऐसा ट्रैवल करते रहना अच्छा लगता है जो मेरे जैसे ट्रैवल करना अच्छा जिन लोगों को अच्छा लगता है तो थोड़ा और टाइम स्पेंड करो मतलब क्या है कि ओके okay, कल करेंगे परसों करेंगे नहीं तो अगले मंथ करेंगे नहीं तो थोड़ा और सेव करने तो वैसे टाइम बीता जा रहा है यार कल क्या होगा हमें हमें नहीं पता जैसे कोरोना आ गया लाइफ पूरा चेंज हो गया तो कल क्या होगा हमें नहीं पता आ, सिर्फ आ, लाइफ मतलब सिर्फ आज है यार तो आज ये पल है तो ये पल को हम कैसे जीते हैं आ, उसी पर सब कुछ डिपेंड है तो हर पल को हल्प में खुश रहो तो आपको खुश होने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है वो करो तो मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है और ऐसा ट्रैवल वीडियो शूट करना अच्छा लगता है और उसको ऐसा एडिट करके मतलब मैं इसमें सादा एडिटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि जो भी मैं वीडियोस लेती हूँ सेम मतलब वो रो वीडियोस को मैं आपके साथ लेके आती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मैंने फील किया राइड करते वक्त मैंने जो जो चीज़ें देखी है वो आपके साथ शेयर करे तो उसको वैसे ही शेयर करना मैं चाहती हूँ तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ अगर वीडियो बहुत सारा शेक हो गया है तो वैसा कुछ मतलब दिखाने लायक वीडियोस नहीं है तब मैं उस पार्ट को कट करती हूँ नहीं तो मैं वीडियोस को वैसे ही रखती हूँ क्योंकि मुझे मैंने जो देखा मैंने जो फील किया मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ वही मेरा इस व्लॉग का सद उद्देश्य आपने शायद नोटिस किया होगा नहीं तो मैंने किया है कि रोड साइड में सावधान सावधान करके बहुत सारे बोट्स आपको मिलेंगे क्योंकि वो आ, जो ये ट्रैफिक वाले हमें आ, वार्निंग कर रहे हैं कि इश्यूज़ है इस रोड में मतलब क्या है कि सीधा स्ट्रेट अच्छा वाला रोड नहीं है सावधान सावधान तो इतना सारा सावधान बोर्ड रखना है आ, र, उन्होंने रख दिया है तो उसका पीछे होगा कि यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते होंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये स्ट्रेट रोड नहीं है तो मक्कन जैसा रोड है लेकिन स्ट्रेट रोड नहीं है मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट है मतलब कि फिफ्टी फोर किलोमीटर यही एक रोड है यहाँ ना लेफ्ट है ना राइट है कुछ भी नहीं है दूसरा रोड ही नहीं है सिर्फ यही एक रोड है तो वैसा देखो तो स्ट्रेट रोड कहेंगे

क्या होता है कि कार तो मिसिंग हो जाती है हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो डाउन जा रही है नहीं तो वैसा एक इश्यू है आपको दे के समझ में आया होगा तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप ये शंकर का इस रूट से आते हो तो थोड़ा सावधान चलाना मतलब आपको स्पीड में नहीं जाना है अरे यार स्पीड में जाके क्या करेंगे हम आए हैं राइड एंजॉय करने के लिए मतलब हमें हमारा थो, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए तो स्पीड में जाके क्या करेंगे यार अगर आ, स्पीड में मतलब मैं कभी भी स्पीड में जाने के लिए सपोर्ट नहीं करती हूँ मतलब आपको कहीं पे जाना है तो स्पीड में जाए मतलब क्या कि घर से निकलते वक्त <coughs> एक हाफ एन आवर नहीं तो वन आवर पहले निकल लेना तो वैसा हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं स्पीड ए, स्पीड में जाने के लिए कभी भी नहीं कहूँगी और मैं जाऊँगी भी नहीं तो मुझे मतलब मुझे बहुत मतलब बहुत साल जीना है यार मतलब बहुत साल जीऊँगी तभी तो मुझे मैं बहुत सारे जगह जा सकती हूँ बहुत सारे तीस, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकती हूँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत मतलब आराम से गाड़ी चला के जो आपके लेफ्ट में राइट right में जो सारी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करके धीरे से चला के अपने डेस्टिनेशन तक जाओ और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में फार्मिंग चल रहा है लेकिन राइट right साइड में आपने देखा कि बहुत मतलब ड्राई ड्राई एरियाज है तो मैं ये सोच रही थी कि uh, मैं शायद रॉन्ग टाइम पे आ गई क्योंकि अगर ये मानसून का टाइम होता तो आपको पता है कि पुणे की ब्यूटी ये होती है कि पुणे की जो ग्रीनरी होती है वो एक पिस्ता ग्रीन कलर में होता है यार जो लेफ्ट साइड में आपको जो फार्म में वो जो कलर दिख रहा है ना तो वो कलर है शायद केरला और सब एरिया में डार्क ग्रीन होता है लेकिन पुणे में यहाँ जो जो ग्रास होता है वो बहुत फ्रेश फ्रेश फील कराता है मतलब एक पिस्ता ग्रीन की तरह मतलब एक फ्रेश ग्रीन कलर है यार मतलब क्या कहो मुझे वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रही बस आप शायद मेरा जो पुराने वीडियोस है मानसून टाइम में जब मैंने ट्रैवल किया था उसका वीडियोस में चैनल पे ऑलरेडी है तो और सब आप देख सकते हैं क्योंकि पुणे की ग्रीनरी कैसी है तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ रॉन्ग टाइम पे आ गई क्योंकि यहाँ पे अभी सारा ऐसा घास वगैरह सब सूख गया है ड्राउट आउट जैसा फ़ील हो रहा है अगर मानसून में आती तो बहुत अच्छा होता तो मे बी नेक्स्ट मानसून में एक और बार यहाँ आना है क्योंकि यहाँ की सारी वो जो ग्रीनरी वो एक फ़ील करने के लिए अभी हमारे आगे दो तीन बाइक्स हैं तो मैं हमें ये सोच रही थी कि आ, शायद सिर्फ हम है इस रोड पे और कोई नहीं है लेकिन है बहुत सारे बाइकर्स हमारी जैसे वीकेंड को स्पेंड करने के लिए वारे राइडर्स है पूरा गियर के साथ जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन स्पीड थोड़ा कम करो भाई इतना स्पीड में जाके आप क्या करोगे ये वीडियो एडिट करने से पहले मैंने ये सोचा था कि आ, मैं बारह ज्योधर्लिंग के बारे में आ, आपको जानकारी दूंगी तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करके रिसर्च करके सारा डेटा कलेक्ट करके आपके साथ आ जाऊं तो आपके साथ शेयर करूंगी तो उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यार आ, अगले वीडियो एनी वे आ, मंदिर में जाके है तो मंदिर दिखाते वक्त आपको मैं बारह ज्योधर्लिंग के बारे में आ, आपको एक्सप्लेन करूँगी तो हम एक गांव में आ चुके हैं और एक छोटा सा गांव था यार बाद में फिर से सेम रूट शुरू हो गया हमारा एक और चीज़ आपने नोटिस किया यहाँ तो हमारे आगे बहुत सारे गाड़ियाँ जा रही है लेकिन इन सब में आपने शायद नोटिस किया होगा या नहीं इनको देखो यार इन्होंने हेलमेट निकाल के अपने हाथ में पकड़े हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि इनके लिए देखो ये दो नहीं है तीन लोग जा रहे गाड़ी पे राइट ना मतलब दो या या दो ही है यहाँ के लोग ना ट्रिपल बहुत जाते हैं यार मतलब इनके लिए रूल्स आ, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब ये रूल्स कभी फॉलो करते ही नहीं है हेलमेट कभी रखते ही नहीं है और इनका राइडिंग स्टाइल या ड्राइविंग स्टाइल मतलब बहुत डिफरेंट है यार ऐसा है कि आप जो मिरर जो देख रहे हैं ना तो यहाँ के लोगों को मिरर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिरर है तो वो ऐसा पास में से नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैफिक में बीच में गाड़ी ऐसा ऐसा निकाल के लेके जाना है तो मिरर उनके लिए एक डिस्टर्बेंस है तो वो क्या करते हैं कि मिरर को निकाल के रखते हैं और अगर आप मिरर यूज़ नहीं करते कम से कम आके राइट right टर्न लेते वक्त नहीं तो आप ऐसा यू टर्न लेने वाले हो ना तो आप रोड के बीच में से साइड में जा रहे हो मतलब राइट right साइड में जा रहे हो तो आप कम से कम मिरर नहीं रखा तो पीछे मुड़ के तो देखना चाहिए ना वो भी नहीं करते जो लोग पीछे से मतलब जो गाड़ी के पीछे जो लोग होते हैं ना उनको ध्यान देना चाहिए कि आगे के गाड़ी कैसी जा रही है तो हमें देख के हमें हमारे सेफ्टी के लिए हमें देख के राइड करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोग कभी देखते ही नहीं है और मैंने ऐसा कमेंट किया करके अगर किसी को गुस्सा आता है तो आने दो मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि राइडिंग का मतलब ड्राइविंग राइडिंग जो आ, हम लाइसेंस लेते वह हमें हम बहुत सारे रूल्स सीखते हैं वो ऐसे ही नहीं सीखते हैं क्योंकि वो सब हम सब हमें रोड पे अप्लाई करना है तो क्योंकि सिर्फ हमारे सेफ्टी के लिए नहीं है दूसरे लोगों के लिए सेफ्टी के लिए अगर आप एक गलती करते हो उसके वजह से मतलब आपका लाइफ जाता है साथ साथ में दूसरे लोगों को भी जान चली जाती है तो क्यों करते हो यार रोड में रूल्स बनाया है तो उसको तोड़ो मत फोलो करो खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए अगर आपके लाइफ में आपका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है अगर विदाउट हेलमेट आप चलाते हो जाके एक्सीडेंट हो जाता है मर जाता है तो आपको अपने लाइफ का कोई कीमत नहीं है तो नहीं लेकिन रोड में दूसरे लोग हैं उनके लाइफ को मतलब वैल्यू तो करो क्योंकि उनका एक फैमिली है मतलब उन, उनके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होंगे तो आप खुद के लाइफ के बारे में एम्बिशस नहीं हो खुद के लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए आप हेल्पेट नहीं पहनते हो और ओवर कॉन्फिडेंस है अपने राइडिंग में तो रहने दो यार लेकिन दूस, आ, राइड तो प्रॉपर करो क्योंकि दूसरे लोगों के लाइफ को वैल्यू बस इतना ही कहना है मुझे यहाँ के राइडर से और उसके वजह से कोई मुझे डांटता है नहीं तो कुछ बैड कमेंट करता है तो मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है मतलब मैं सुन सुनूँगी भी नहीं क्योंकि मैं राइड करते हो सारा रोड में जो रूल्स है वो मैं फॉलो करती हूँ और यहाँ का एम क्या कर रहा है मुझे सीरियसली नहीं पता है क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र में नहीं बै कर्नाटका बेंगलुरु में होता नहीं तो केरला में कहीं भी होता तो शायद मतलब क्या है कि वो लोग इतना फ़ाइन डालते हैं मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, में एक रोड रूल ब्रेक करने के लिए फाइन रखा है वो तो वो सारा फाइन्स वो डालते ही है क्योंकि फाइन्स के डर के वजह से लोग एक बार गलती करते तो सेकेंड टाइम वो नहीं करते क्योंकि मैंने भी ऐसा एक गलती की थी क्योंकि मेरे पास तो हेलमेट था लेकिन मैंने लिफ्ट जो दिन को दिया था उनके पास मेरे पास एक्स्ट्रा हेलमेट भी नहीं था उनके पास भी हेलमेट नहीं था तो मैंने उनको लिफ्ट दिया लेकिन हमें ट्रैफिक के बीच में पुलिस ने पकड़ा और फ़ाइन डाला और मैंने फ़ाइन भरा भी तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अगर विदाउट हेलमेट मैं किसी को लिफ्ट नहीं देती मैंने तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा हेलमेट अपने गाड़ी पर कैरी करना शुरू किया अगर नहीं है अगर अ, कैरी करना भूल गई तो मैं सीधा मना करती हूँ कि सॉरी विदाउट हेलमेट मैं आ, नहीं दूँगी एक तो क्या है कि उनके लाइफ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और सेकेंड थिंग फिर से फ़ाइन नहीं भर सकती यार तो एक गलती के लिए एक बार फ़ाइन भर सकती हूँ वो गलती मैं रिपीट नहीं करती दूसरी बात यह है कि आ, बाकी राज्यों के एम एक तो फाइन डालते हैं अगर शायद फ़ाइन टू थाउजेंड का होगा तो कहते हैं कि चलो आप फाइव हंड्रेड दे दो ऐसा करके अरे यार कम से कम तो मतलब क्या है कि वो ब्राइबिंग होता है वहाँ ब्राइबिंग ही सही लोगों के लाइफ के लिए है तो चलता है यार मतलब क्या है कि ये डर तो रहेगा कि अगर ट्रैफिक ने पकड़ लिया तो हमें पैसा देना पड़ेगा तो वो टू हंड्रेड होगा नहीं तो फाइव हंड्रेड होगा तो क्यों क्यों दो ऐसा एक सोच आ जाती है तो आ, सारे कर्नाटका वाले एंड केरला वाले सब ना रूल्स फॉलो करते हैं तो आ, वो एक, एक चीज़ के लिए मतलब क्या है कि ब्राइब लेना बहुत आ, लेना या देना दोनों नेगेटिव चीज़ होती है फिर भी आ, लाइफ सेव हो जाता है तो थोड़ा एम का ड्राइविंग भी सही है यार और हम मतलब यहाँ जहाँ मैं आगे आगे जा रही थी तो नेटवर्क सीरो आ रहा था मतलब क्या है कि यहाँ साधा नेटवर्क नहीं था सावधान नेट नहीं है सही है क्योंकि कभी कभी हमें लाइफ में ऐसा है मतलब हम बहुत एडिक्ट हो चुके हैं इंटरनेट के और मैं भी फुल टाइम ऐसा आ, रील्स देखती बैठती हूँ नहीं तो फेसबुक में देखती हूँ ऐसा स्क्रॉल करते रहती हूँ तो आ, शायद मैं एडिक्ट हूँ मुझे उससे बाहर आना है अगर मैं ऐसा ट्रिप के लिए गई थी वहाँ क्या कहते हैं इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था तो आ, पहले एक दो घंटे बहुत डिफ़िकल्ट लग, लग रहा था आ, देन बाद में ऐसा हुआ कि यार सही है क्योंकि विदाउट नेट के कुछ टाइम नेचर के साथ बिताना वो भी सही है क्योंकि खुद के लिए थोड़ा टाइम दे रहे हो ऐसा ये करके मतलब क्या है कि टाइम पास करके रील्स देख के बैठ के टाइम पास करने से बेटर है कि थोड़ा नेचर में जाओ देखो घूमो एक्सपीरियंस करो तो थोड़ी सी ठंडी भी लग रही थी यहाँ से आगे क्योंकि शायद हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं फिर से सावधान तो ये पूरा एक्सडेंट प्रोन एरिया है तो आपको यहाँ राइड करते वक्त फिर से फिर से मैं भी कह रही हूँ कि सावधान 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 थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और आप देखते होंगे कि अरे यार सेम सेम रूट से फिर से फिर से हम जा रहे हैं क्योंकि मैंने जो बताया था ना फिफ़्टी फोर किलोमीटर सेम रोड है तो उसके लेफ्ट साइड में आ, ये रिवर या लेक मतलब डैम के लिए ये एरिया ऐसा ही बनाया गया बनाया गया है तो वो एक लेफ्ट साइड में वो है और राइट साइड में हमें हिल्स मिलेगा तो हम इसको डैम एरिया को हमेशा कवर करके जा रहे हैं तो उसके साइड से ऐसा घूम के एक साइड से हम दूसरी साइड जा रहे हैं। दूसरी एक बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं वीडियो लेते वक्त ही क्यों आ, आ, नरेट नहीं करती मतलब आ, लाइव ऑडियो क्यों नहीं डालती तो उसका ये रीज़न है कि मेरा दो लैंग्वेज़ में है चैनल एक मलयालम में है और एक हिंदी में है तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक लैंग्वेज में नरेट करती रहूँ Uh, मतलब एक लाइव uh, ऑडियो एक लैंग्वेज में हो तो मतलब दूसरा uh, चैनल के लिए जो मैं वो वीडियो यूज़ करती हूँ तो मुझे एडिट करना पड़ता है मतलब उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि मेरा uh, जो बाकी सिर्फ मेरे आवाज़ भी नहीं uh, लाइव में जो भी बाकी आवाज़ है वो सारी चली जाती है म्यूट करते वक्त तो मैं ये नहीं चाहती तो इसलिए मैं म्यूट होती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ बाद में uh, दो लैंग्वेज मलयालम में एंड हिंदी में मैं नरेट करते रहती हूँ ताकि मैं आपसे बक बक कर सकूं। मुझे पता है कि आप लोग मेरी बातें सुन के बहुत पक चुके हैं अः कोई बात नहीं शायद मेरी ये बक बक सुन के आपको बाद में मेरी ये बक बक के बिना आ, मतलब क्या है कि एक वीक नहीं जाएगा ऐसा हो जाएगा तो शायद मेरा सब्सक्राइबर साधा हो जाए किसको पता तो मुझे ये आप आप लोग देखने नोटिस किया होगा कि आगे हमारे बहुत सारे कार जा रहे हैं तो ये लोग कहाँ से आ गए मतलब क्या है कि यहाँ रेस कर रहे थे कि नहीं पता क्योंकि हम जब आए थे किसी ने हमें ओवरटेक नहीं कर किया था वो जो आगे एक कार जा रहा था सिर्फ वही एक था और अभी रोड में तीन चार पाँच बहुत सारे कार्स हैं तो कहाँ से आए किस साइड से आए मैंने तो बस एक ही रूट देखा शायद वो बहुत पहले जा चुके होंगे और यहाँ से अभी रेस्ट करते हुए हमें मिले थे तो आगे आगे आपको बहुत कार मिल जाएगी शायद एक पॉइंट में आने के बाद वो जो मैंने बताया था ना हाईवे वाला रास्ता तो वहाँ जाके हम भी ज्वाइन करेंगे देखो फिर से सावधान तो जाओ सावधान से देखो बहुत सारे कार्स है एक दो तीन चार पाँच अरे रब लगेगी बहुत ट्रैफिक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरा ड्रीम राइड है लेलेडा ले लड़ाख तो लेलेडा जाने के लिए तो आप देख सकते हैं कि कैमरे मिरर में मैं अपना रियल मी फाइव प्रो से शूट कर रही हूँ तो मेरे पास रियल मी फाइव प्रो का कैमरा है और आप कैमरा क्वालिटी क्या है आप देख सकते हो क्योंकि और राइड करते वक्त मैं अपना हाथ को ही गिम्बल की तरह यूज़ करते हैं मेरे पास एक डी का ओसमो ओम फोर एस है मेरे पास तो वो मेरा गिम्बल है तो मैं uh, वो गिम्बल एंड uh, क्या मेरा रियल मी फाइव प्रो के साथ शूट करती हूँ रियल मी फाइव प्रो बहुत अच्छा कैम है यार इसका सेंसर बहुत अच्छा है क्योंकि uh, आजकल realme रियल मी टेन एंड टेन प्रो आया है और आज रियल मी कौन सावेन प्रो एंड प्रो प्लस रिलीज हो गया है तो टेन नाइन टेन प्रो मैंने देखा मैंने उसका टेस्ट किया कैमरा कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जो आ, जो पिक्चर जो क्वालिटी वो चलिए सब रियल मी फाइव फाइव प्रो में जो मिलता है वो दूसरे कैमरों में नहीं है नहीं पता लेवन के बारे में अगर लेवन कोई और लेता है अगर मैं देखती हूँ कि ओके वो अच्छा है तो शायद मैं अपडेट करूँगी अपडेट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं ये फ़ोन एक्सचेंज करूँगी मैं कब भी नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फ़ोन है तो मैं इसको कभी एक्सटेंड नहीं करूँगी एंड uh, दूसरी बात है कि uh, तो लेह लड़ाक -ले जाते वक्त सिर्फ कैमरा एंड गिम्बल से काम नहीं चलेगा तो उसके लिए uh, हमें uh, मतलब uh, हमारा जो व्लॉगिंग गियर्स है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ड्रीम राइड है और बहुत साल इंतज़ार करके मैं अभी जा रही हूँ लेह लद्डाख -ले ट्रिप के लिए तो uh, इसलिए मुझे uh, मेरा uh, जो भी व्लॉगिंग गियर्स है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा तो मैंने एक इंस्टा थ्री सिक्सटी एक्स थ्री लिया है तो मैं उसके बारे में मतलब लेने के बाद उसका अनबॉक्सिंग वीडियो डालना चाहती थी एंड क्या है कि उसमें वीडियो शूट करके उसके बारे में डालना चाहते थे लेकिन मैंने बाद में सोचा कि नहीं यार अभी नहीं क्योंकि uh, अनबॉक्सिंग वीडियो से अच्छा है कि uh, इसको यूज़ करके उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ वो अच्छा लगेगा मतलब मेरा रिव्यू रियल रिव्यू आ जाएगा उसमें तो मैंने सोचा कि चलो uh, राइड जाने के बाद जो उसके साथ मैंने जो जो वीडियो शूट किए हैं वो सबको एक एक्साम्पल के तौर पे आपको देख के आपको एक्सप्लेन करूँगी इंस्टा थ्री सिक्सटी एक्स थ्री कैसा है और सेकेंड मैंने लिया है डी जे आई का एक्शन थ्री तो डी जे आई का एक्शन थ्री कैमरा लूँ या गोप्रो लूँ तो GoPro 10 या 11 लूँ इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन था देन बाद में मैंने बहुत सारे वीडियोस YouTube में मैंने बहुत सारे वीडियोस एंड रिव्यूज़ देखे तो और कंपेरिजन देखा तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे नीड के लिए ओसमो का सॉरी डी का एक्शन थ्री ही बेस्ट है तो मैंने वो भी लिया है वो एक पूरा क्रिएटर सेट है लाइक उसके साथ एक गिम्बल आता है और कैमरा है और उसके साथ बैटरी है और बैटरी चार्जर है तो तीन बैटरी आ जाती है तो एक वन फिफ्टी वन सिक्सटी उनका जो मिनट्स वो बता रहे हैं तो अगर वैसा भी देखो तो आठ घंटे एक दिन का आठ घंटे हम शूट कर सकते हैं एक बार तीनों बैटरी चार्ज हो जाए तो, तो मैंने सोचा कि तो मेरे लिए राइडिंग के लिए वही सही है क्योंकि एक दिन का पूरा बाइक का जो राइडिंग है वो कवर करेगा तो मैं सीधा वैसा ही रॉफ फोटेज आपके सामने लेके आऊँगी सब के सामने माउंट में लगाऊँगी और ऐसे ही अभी मतलब जो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे वीडियोस आपको वैसे ही मिल जाएगा तो वैसा मैं सोच रही हूँ तो इसलिए मैंने वीडियोस लिया है तो दोनों वीडियोस के बारे में उसका वीडियोस के कंपैरिजन के बारे में एंड मतलब कंपैरिजन की कोई ज़रूरत ही नहीं यार एक तो इंस्टा 360 आ, मतलब है वो 360 डिग्री में शूट करता है एक नॉर्मल एक्शन कैमरा है तो उन दोनों के बीच में कोई कंपेरिज़न नहीं है तो वो दोनों अगर आप लेते हो तो उनको आपको दोनों लेना पड़ेगा और सिर्फ लेते हो तो आप सिर्फ इंस्टा थ्री भी ले सकते हो क्योंकि उसका स्टेगलेशन भी बहुत अच्छा है एंड क्या है वो सिंगल लेंस भी आप यूज़ कर सकते हो और 360 में भी आप यूज़ कर सकते हो आपको शायद मतलब उसका क्या है कि आ, मैंने क्यों डी जे एक्स्ट्रा लिया क्योंकि इंस्टा 360 का आ, टोटल 80 मिनट से आता है और मुझे उसके लिए बहुत सारे बैटरी खरीदना पड़ेगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा हो रहा था तो मैंने सोचा कि उसी पैसे में मैं क्यों ना एक आ, दूसरा मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने इसलिए डी जे का एक्शन ट्री लिया था और आप देख सकते हो कि बहुत स्टीप है और आगे एक इलेक्ट्रिक कार जा रही है अरे यार इलेक्ट्रिक कार ये स्टीप चढ़ के जा रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ तो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था शायद मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिज़ाइन आर डी में काम करती हूँ तो बाइक्स बाइक्स का देन अभी कार का डिज़ाइन आर डी में काम करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि आगे एक इलेक्ट्रिक कार जा रही है और भी वो स्टीप में इतना पावर से और टाटा नेक्सन है वो वो जा रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं इलेक्ट्रिक कार्स को मतलब मेरा फील्ड है इसलिए नहीं मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ क्योंकि फ्यूचर वही है यार बाकी इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि मेरे चैनल पे पुणे में एक एफ हुआ था आ, तो उसमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल कॉन्ट्रेव था तो उसमें बहुत सारे ई ईवी वी व्हीकल्स जो टू व्हीलर्स थे आ, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स का बस सब कुछ दिखाया गया था तो वो एक रैली में मैंने एक बाइक राइड की, की, की थी वो थी टॉर्क मोटर्स की क्रैक्टोस क्रैक्टोस आर मैंने राइड की थी वो इंडिया का फर्स्ट ई वी आ, बाइक है तो आप कहेंगे कि रिवोल्ट है तो रिवोल्ट सब बाहर से चाइना से ला के असम्बल करते हैं इंडिया में अगर उसमें थोड़ी भी ख़राबी हो जाते हैं तो पार्ट्स का पार्ट्स मिलना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि और वो रिवोल्ट का सब आर हुआ था बाहर के लिए यहाँ का क्लाइमेट के लिए नहीं था तो वैसा है तो इंडिया में पूरा आर करके सिर्फ इंडिया के लिए बनाया था मतलब 2016 में शायद जब उन्होंने फ़र्स्ट इसका लॉन्च किया था तो लॉन्च मतलब इसके बारे में जो न्यूज़ें आई थी तभी मैंने आ, इस बाइक के बारे में देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था तभी मैंने आ, इस बाइक को बुक करने के बारे में सोचा था दिन बाद में आ, अभी मतलब क्या है कि 2021 हो गया था आ, उनको पूरा बाइक मतलब पूरा आर आई डी करके बाइक लॉन्च करके मार्केट में आने के लिए मतलब तो इतना साल का आर आन डी करके वो भी आ, बहुत सारे रेस में पोडियम विनर है टॉर्क का बाइक तो आ, मतलब आ, ये रेस में बाइक रेस में पोडियम विनर बन गया था और इंटरनेशनल लेवल पे तो वो एक स्पोर्ट्स बाइक है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो बाइक राइड करके तो मैं वो बाइक मतलब मैंने उसका स्क्रैच से मतलब एट टू तो सेट उसके बारे में मैं वीडियो करना चाहती थी मेरे पास वीडियोस है तो वो मैं अपलोड करना चाहती थी आ, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैंने वो गाड़ी बुक भी की है तो मुझे उसका डिलीवरी मिलने के बाद मैं आ, वीडियोस डालूंगी ऐसा मैंने सोचा था देन बाद में मैं वो गाड़ी नहीं ले पाई इसलिए नहीं कि वो गाड़ी अच्छी नहीं है बहुत अच्छी गाड़ी है मैं उसके बारे में ज़रूर रिव्यू करूँगी क्योंकि मेरे पास ए टू सेट का वीडियोस है मैं आ, उसके बारे में आपको बताऊँगी लेकिन आ, क्या हुआ कि मुझे गैडजेस्ट लेना था यार मुझे ले लड़ाक जाना था मुझे गैडजस्ट लेना था गियर लेना था मतलब आ, वो गाड़ी खरीदने के लिए जो भी पैसा होता है तो उस पैसे मतलब वो अमाउंट से मैं मतलब बाइक लेने वाली थी तो मैंने बाद में सोचा कि वो अमाउंट है तो मैं मेरा कैमरास आ जाएगा मैंने दो कैमरास लिए और पूरा राइडिंग गियर मतलब टॉप टू बॉटम तक का पूरा राइडिंग गियर्स लिया मेरे लिए और राम के लिए तो वो पूरा पैसा बाइक के लिए जो मैंने रखा था वो सीधा इस सब पे चला गया कोई को, कोई बात नहीं यार मतलब क्या है कि हम आगे भी खरीद सकते हैं तो अभी राइड जाना ज़रूरी है आ, मतलब अभी टाइम मिला है अभी नहीं तो कभी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे राइड जाना है तो उसके लिए सारी चीज़ें मुझे खरीदनी पड़ेगी तो ख़रीदा मैंने तो उसके लिए वो सारा पैसा गया तो फिर से पैसा इकट्ठा करके नहीं तो कुछ ना कुछ और जुगाड़ करके हम लेंगे टॉर्क का आर क्योंकि मेरा लाइफ का वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है मैंने चलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा लेना है उसके तो उसके बारे में भी मेरे पास मतलब मैं वीडियो ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगी उसको एडिट करना है मतलब बहुत मतलब बहुत इंटरवल्स में मैंने शूट किया था यार वीडियो तो उसकी पहली मतलब एक मैंने एक आ, क्या कहते हैं एक ई e एक्सपो में देखा था पहली बार उसको तो तब का वीडियो आ, देन बाद में मैं वहाँ उनके सेंटर में गई थी उसका ट्रायल रन के लिए देन बाद में मैंने उसको बुक किया देन बाद में वो ई राइड में मुझे उसको चलाने का मौका मिला तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है तो सबके बारे सबका वीडियोस मेरे पास है तो सबको एडिट करके मुझे एक वीडियो शूट करना है और आप जो राइट right साइड में देख रहे हैं यह है गवर्नमेंट का कॉटेज है ये, है, है, ये। आ, बीमा शंगर में गवर्नमेंट का कॉटेज है जहां हमें रूम्स नहीं मिला था तो यहां जो आसपास जो भी आप देख रहे हैं ये सारे जहाँ मैंने कॉल करके पूछा था रूम्स के लिए तो यहाँ सब फुल है क्योंकि सैटरडे संडे है वीकेंड है और वीकेंड में यहाँ तो फुल रूम्स फिल हो जाता है तो अगर आपका वीकेंड प्लान है तो आपको शायद एक दो तीन वीक से पहले ही आपको प्लान करके यहाँ रूम बुक करना पड़ेगा नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ आ जाओ दो दिन का प्लान बनाओ यहाँ आ जाओ मंदिर जाओ मंदिर मतलब मैंने कहा था ना फॉरेस्ट एरिया है तो थोड़ा फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया शुरू होना स्टार्ट किया है तो लेफ्ट साइड में फॉरेस्ट आ गया है और प्लान करो और एक और प्लान करो कि यहाँ मॉर्निंग आ जाओ एक तो दर्शन करके अर्ली मॉर्निंग आ जाओ दर्शन करके आप वापस जा सकते हो नहीं तो आपको आके यहाँ रुकना है तो जैसे ही मैंने बुक किया है टेंट यहाँ तो बहुत सारे ऐसा फार्म फील्ड्स, वो तो फार्मर्स हैं तो उन्होंने टेंट स्टे वगैरह अरेंज किया है कि उनके फील्ड में रुकने के लिए तो आ जाओ तो ये भी वो भी इसके किनारे है जो हमने रिवर देखा डाम का डाम का किनारे है तो आप वहाँ के टेंट स्टे कर सकते हो तो वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी है एक्टिविटीज़ लाइक आप कैकिंग कर सकते हो और आ, डाम के वो पानी में स्विमिंग कर सकते हो और वहाँ स्पीड बोट एंड नॉर्मल बोट्स हैं तो आप वो भी चला सकते हो तो ये सारे जगह मैंने कॉल किया था तो ये जो रास्ता अंदर जा रहा है ना उसी रास्ते से हमें जो फार्म में मैंने जो बुक किया है वहाँ जाना है और हम आगे जा रहे हैं मा शंकर की ओर अरे यार वो जो जब हम गए थे वो अग्रो फार्म में हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ था लाइक राइड करते वक्त क्योंकि मैंने बताया था यहाँ इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है सीरो है तो हमने स्टार्टिंग में ही डाउनलोड करके रखा था तो ऑफलाइन में चल रहा था नेट तो हमें हम बहुत मतलब क्या है कि रूट घूम 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 के गए थे तो हमें हमें बहुत सारी जगह ऐसा आ, ये भी हो गया था रोड चेंज भी हो गया था हम जाके वापस आए तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे लेकिन आ, क्या एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था आ, हम डर भी बहुत गए थे लेकिन आ, सेफली हम पहुंच गए और बाकी तो पूरा हिस्ट्री यार मतलब बहुत एंजॉय किया तो वो सारे वीडियोस में मतलब आगे अपलोड करूँगी क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उम, मंदिर का वीडियो एंड जोधर्लिंग के बारे में बताऊंगी देन बाद में होगा राइट टू तो वो जो आ, फार्म फील्ड में राइड करके हमें जाना है बीमा शंकर के देन वहाँ का जो टेंथ स्टे एंड वहाँ का एक्सपीरियंस हमने कायाकिंग की बहुत सारे आ, 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 हमने एक्टिविटीज़ की है तो वो सारे आ, 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 आपके साथ शेयर करूँगी मैं तो आगे आगे तो आ, मैं इतना टाइम से आपके साथ बातें कर रही हूँ तो आपको ऐसा अच्छा सारा अच्छा अच्छा नशारा दिखा रही हूँ तो आपको अगर चैनल का वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा आपने लाइक किया और आपने उसके वीडियोज़ के बारे में कुछ कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत 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 अच्छा लगा और आग आ, मेरे अगले वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल्स का ऐसा सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट है अगर आप सब्सक्राइब करना नहीं भी चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट में बता दीजिए क्योंकि आपको क्यों वीडियो अच्छा नहीं लगा अगर इम्प्रूव करने के लिए आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए मैं वीडियोस को इम्प्रूव करूँगी ताकि मुझे नेक्स्ट आपका लाइक्स मिल जाए और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें हमने घर से पाँच बजे को निकले निकलने का प्लान किया था और हम दोनों बोतले सी है यार तो हमारा सिक्स थर्टी हो गया था तो घर से हम सिक्स थर्टी को निकले थे और अभी एवन थर्टी हो गया है बीच में हमने एक आधा पौने घंटा हमने खाना खाने के लिए जो मिसल खाने के लिए वहाँ रोका था तो वहाँ देन बीच में दो व्यू पॉइंट आया तो वहाँ भी हमने गाड़ी रोकी थी तो सब मिला के हम अभी एवन थर्टी हो गया है और तीन चार किलोमीटर आगे मंदिर है तो आप देख सकते हो मतलब अगर रश नहीं है तो आप आके और मेरा एक आप सबको बताए मैं बाद में नरेट कर रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा इतनी जल्दी आने की ज़रूरत भी नहीं है आपको क्योंकि इवनिंग टाइम में आपको दर्शन बहुत ईजिली मिल जाएगा क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सब लोग आके क्यू में खड़े हो जाते हैं देखो अभी ये लोग सब दर्शन के बाद वापस जा रहे हैं तो ये तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आए थे अभी मेरे जैसे जो सिक्स थर्टी सब निकल के आ रहे थे पुणे से तो यहाँ से बहुत ट्रैफिक शुरू हो जाता है दिन आप ट्रैफिक में मिलेंगे तो आप थोड़ा लेट करके आ सकते हैं मतलब अपने नो यूजल टाइम में नाइन ओ को सब निकलते हैं तो आप करेक्ट टाइम में यहाँ आ जाओगे मतलब हम अभी एवन थर्टी को आ गए तो आप शायद एक टू थर्टी थ्री ओ को आ जाए तो टू थर्टी थ्री ओ को आने के बाद यहाँ रश इसलिए था आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड बन रहा है तो ये फॉरेस्ट के बीच में है रोड बन रहा है तो इसलिए वन साइड में ट्रैफिक है तो अगर आप थोड़ा लेट आ जाते हैं तो क्या है कि नहीं तो टू टू ओ का उसके बाद आप लाइन में लग जाते तो आपको एक घंटे में दर्शन हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में जो लोग आके लाइन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुझे दर्शन मिलने के लिए आ, फाइव आ, मतलब पूरा दर्शन का होने के बाद मेरा पाँच बजे हो गया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आई थी और अभी जाकेलेवन थर्टी ट्वेल्व को मैं लाइन में खड़ी हो जाऊंगी दिन बाद में बीच में आ, आ, दो घंटे शायद मंदिर बंद हो जाता है तो उस टाइम में हम क्यों में थे तो आप अगर प्लान करके आते हैं तो आपको शायद तीन बजे क्यू में रहना पड़े और एक घंटे में आपको दर्शन मिल जाए क्योंकि टू टू वन टू टू समथिंग वन टू टू या वन टू थ्री मंदिर बंद हो जाता है या टू टू फोर समथिंग मुझे याद नहीं है करेक्टली वो मैं मंदिर के क्यू में रहने के बाद ना मैंने तब उस उसमें बताया गया है वो दे के आपको मैं करेक्ट टाइमिंग बताऊँगी आप वैसा आप देखो आप घना जंगल है तो आप ऐसा प्लान करके आओगे तो क्या है आपको ज़्यादा टाइम क्यों में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं तो मॉर्निंग ऐसे मेरे टाइप आ जाओ और बाहर पूरा घूमो आपको बाहर जाने के लिए यहाँ एक और मंदिर है मैंने बताया था कि फॉरेस्ट के अंदर एक और मंदिर है शिवलिंग है वहाँ जाके आप प्रे कर सकते हो तो आ, लेकिन दो लोग आते तो यहाँ फॉरेस्ट में जाना एडवेसिबल नहीं है तो अगर आप एक ग्रुप में आते हो तो अर्ली मॉर्निंग ही ऐसे आ जाओ देन वो फ़ॉरेस्ट uh, के अंदर वाला टेम्पल सब जाके घूम के आ जाओ तो पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद आके टू टू थर्ट को लाइन में खड़े हो जाओ तो आपको थ्री थर्टी फोर ओ को फिर से ओपन हो जाएगा मंदिर तो फोर ओ क्लॉक फोर फोर थर्टी में आपको दर्शन भी हो जाएगा तो आप आके मतलब आप ग्रुप में आते हो तो आप जो थोड़ा ट्रैक करके तीन चार किलोमीटर है आपको ट्रैक करके अंदर जाना पड़ेगा वो फॉरेस्ट वाला मंदिर में जाने के लिए तो वैसा भी आप कर सकते हो ये तो थोड़ा लेट आ जाओ थ्री थ्री थर्टी उस टाइम में आ जाओ दर्शन फोर फोर थर्टी फाइव के बाद हो जाएगा देन आप सीधा घर जा सकते हो अंदर होने से पहले आप राइड करके आप बाहर से जाते वक्त इस रोड से मत जिस रोड से हम आए थे उस रोड पे मत जाना हाईवे वाला रास्ते पे जाना तो आप थोड़ा ही किलोमीटर एक थर्टी किलोमीटर समथिंग राइड करके आप आ, सीधा हाईवे पे जाओगे दैन आप सेफ़ हो जाओगे तो कोई इश्यू नहीं है तो अब एक एक दो किलोमीटर में हम मंदिर पहुंच जाएंगे तो इन मंदिर का विजिट टेम्पल विजिट का जो वीडियो है मैं कल डालूंगी आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो अब तक आप मेरी बातें सुन रहे थे तो अगर आपको अच्छा लगा और जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपको अच्छा लगा मैंने और भी एक बार आपसे कहा था तो मतलब मैंने आपको मतलब मैं वही वही रिपीट कर रही हूँ यार क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो अगर आपको अच्छा लगा मतलब आपको आप ऐसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि आप वीडियोस को लाइक करो नहीं तो आप कमेंट करो कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लगा या ना आ, ना लगा क्योंकि मेरा वीडियो का लेंथ तो बहुत ज़्यादा है मैं सोच रही थी कि मतलब इसमें से अच्छा अच्छा पोर्शन सिर्फ लेके कट करके एक फिफ्टीन मिनट का वीडियो में डाल सकती थी लेकिन मैं नहीं चाहती कि आ, मतलब क्या आ, मैंने जो देखा मैं वही आपके सामने लाना चाहती हूँ इसलिए मैंने इतना लेंथी वीडियो रखा है अगर आप वो लेंथी वीडियोस आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो कि वीडियो को कट शॉट करो नहीं तो कुछ तो सजेशन आप दे सक दे सकते हैं मुझे तो मैं फॉलो करूँगी उसको आ, अगर आपको मेरा बक बक आ, वो भी साउथ ऐसन वाला एक्सन वाला बग बग अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप बता सकते हो कि थोड़ी बातें करना कम करो ज़्यादा वीडियोस करो और अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी और बाकी पूरा लाइव ऑडियो के साथ विदआउट मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी वीडियोज़ चलेगा नहीं तो बैकग्राउंड बा, बा, वो नॉइस के साथ मतलब वो वॉइस के साथ थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर लूँगी वो भी चलेगा तो आप लोग बता दीजिए कि मुझे क्या करना है मतलब वीडियोज़ को इम्प्रूव करने के लिए Uh, क्या करना है वो भी आप मुझे कमेंट uh, में बता दीजिए uh, मैं आप, आपका सबका कमेंट्स का रीड uh, करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी तो आप देख सकते हैं कि रोड साइड में सब ने कार पार्क की है और वो एक ये एक घना जंगल है और इसके अंदर किंग कोबरा है शायद तीस किलोमीटर की तीन किलोमीटर की जगह मेरे फ्रेंड्स ने मुझे तीस किलोमीटर बताया गया है मुझे तीस किलोमीटर का घना जंगल तो नहीं मिला लेकिन ये जंगल के अंदर है फॉरेस्ट के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है भीमाशंकर का मंदिर तो फॉरेस्ट के अंदर ये रोड बनाया गया है दोनों साइड में फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर ये रोड बनाया गया है मंदिर जाने के लिए और आप रोड साइड में कार पार कर रहे हो और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये प्लास्टिक्स मत डालिए आप जो भी प्लास्टिक बोटल्स या प्लास्टिक कुछ लेके आते हैं तो प्लीज़ अपने साथ लेके वापस जाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए ये हाँ डिस्पोज मत कीजिए क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है तो प्लीज़ आप वो करेंगे मुझे पता है और मैं नहीं भी बताती तब भी आप करेंगे मुझे पता है फिर भी आ, मैं अपना कंसर्न बता रही हूँ तो आप अपने साथ कोई प्लास्टिक बॉटल्स लेके आ रहे हो नहीं तो प्लास्टिक्स कुछ लेके आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ मत डालिए फ़ॉरेस्ट को गंदा मत कीजिए और हम पहुँच चुके हैं भीमाशर मंदिर के पास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए क्योंकि अगला वीडियो होगा भीमाशर टेम्पल में भी से तब तक के लिए बाय